नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं JNI न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, जी हाँ, नजर आपकी होगी, खबर JNI न्यूज की होगी। सिर्फ तेज ही नहीं, सच भी। जनपद बहराइच के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मोदीपुर में बने हवाई पट्टी पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित किया। बाढ़ पीड़ितों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक दैवीय आपदा है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि राहत कार्य में तेजी लाएं। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर समेत लगभग 15 जनपद वर्तमान में इससे प्रभावित है। आज मैं प्रातःकाल से ही अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच इन सभी का दौरा कर रहा हूँ। कल जल शक्ति मंत्री को ही मैंने इन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए भेजा था। बाढ़ और राहत कार्य उच्च स्तर पर आगे बढ़ सके, यही सब निरीक्षण परीक्षण करने के लिए मैं आया हूँ। सभी जनप्रतिनिधि इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। पहले से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कहीं जनहानि होती है तो जनहानि पर तत्काल प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता, बाढ़ अथवा किसी आपदा में अंग भंग होने पर भी अन्य सहायता तत्काल उन्हें उपलब्ध करवाने, जिनके आवास पूरी तरह नदी में विलीन हो गए हैं, बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवाने, जिनके आवास आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने पहले ही हर जनपद को निर्देश जारी किए हैं कि जहां पे सूखा से, बाढ़ से फसल को नुकसान हुआ है उसका आकलन करके अविलंब अपनी रिपोर्ट दें, जिससे आर्थिक सहायता सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाई जा सके। इस बार सूखा से भी और बाढ़ से भी भारी पैमाने पर अन्नदाता किसानों को नुकसान हुआ है और सरकार उनके साथ में पीड़ा के समय में है। अपनी इसी पीड़ा को उनकी संवेदना के साथ जोड़ने के लिए आज मैं यहाँ पर स्वयं आया हूँ। राहत कार्य को तेज करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं। सभी जनप्रतिनिधि भी राहत और बचाव कार्य के साथ पहली प्राथमिकता रखें कि हर परिवार तक सूखा राहत भी उपलब्ध हो जाए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और बड़ी खबर लेकर। आपके साथ मैं हूँ ज्योति, आप देख रहे हैं JNI न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल JNI न्यूज चैनल को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया, हमारे JNI न्यूज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।